डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, ईथर, ईथर का जनरल आइडेंटिफिकेशन आपने पढ़ लिया था, नामकरण की बात कर ली थी, रूड नाम और आईयूपीएसी नाम। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आज बात करिए ईथर बनाने की विधियां, जिसमें ईथर बनाने की जो विधियां होती है वो दो प्रकार की विधियां यूज करेंगे। यहाँ से लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में ईथर किस प्रकार बनता है, और इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधियों के थ्रू किस प्रकार से ईथर का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला के अंदर जो ईथर है उसका जो निर्माण है वो विलियमसन ईथर सतत, प्रयोगशाला के अंदर जो ईथर है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो यहां से प्रयोगशाला में डाइएथिल ईथर का जो निर्माण है वो विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर जो डाइएथिल ईथर बनाया जाता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा, विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रम में क्या होता है, एथेनॉल को सांद्र स्ट्रेस उपोर के साथ आधिक्य में लेकर 413 केल्विन ताप पर उसको क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। तो यहां से किसका निर्माण हो जाता है, डाइएथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रम जो है वो कहलाता है विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम, यानी कि डाइएथिल ईथर की जो वाष्प, इस प्रक्रम में क्या करेंगे, डाइएथिल ईथर का निर्माण करना है, प्रोसेस है विलियमसन सतत ईथरीकरण। क्या करेंगे, एथेनॉल है उसको आधिक्य में लेंगे और सांद्र स्ट्रेस उपोर के साथ उसको 413 केल्विन ताप पे गर्म कर देंगे, क्या बन जाएगा वहां से डाइएथिल ईथर। किस प्रकार बनता है देखें, CH3CH2OH एथेनॉल एथेनॉल को क्या करना है, गर्म करना है H2SO4 के साथ। H2SO4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, HHSO4 373 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो यहां से क्या करेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है, यहां से H+ OH- H2 बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहां से CH3CH2HSO4 प्लस एच टू, यानी ये जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इसका नाम क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या करते हैं, एथेनॉल यहां पे क्या लिया जाता है, एक्सेस में लिया जाता है। तो ये तो एथिल जो हाइड्रोजन सल्फेट बना है आपका CH3CH2HSO4, ये क्या काम करता है, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है वापस CH2CH3। तापमान कितना होता है यहां पे, 413 केल्विन ताप पे, 413 केल्विन ताप पे जैसे इसको अभिकर्त करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, H2SO4 जो है बाहर निकल जाएगा। यहां का HHSO4 मिलकर H2SO4 बाहर, और ये क्या बन जाएगा आपका, डाइएथिल ईथर बन जाता है CH3CH2OCH2CH3। इसका नाम होता है डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर बन जाता है। इसका नाम क्या होता है, डाइएथिल ईथर। ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है विलियमसन सतत ईथरीकरण के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे विलियमसन सतत ईथरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलियमसन सतत ईथरीकरण कहा जाता है। तो यानी प्रयोगशाला के अंदर जो ईथर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, विलियमसन सतत ईथरीकरण के द्वारा किया जाता है। अब विलियमसन सतत ईथरीकरण क्या होता है, कि इस विधि में एथेनॉल जो है उसको क्या करेंगे, आधिक्य में लेंगे और आधिक्य में लेकर उसको, भाई एक मोल ये रहा दूसरा मोल एथेनॉल का ये रहा, यानी इस विधि में एथेनॉल को आधिक्य में लेकर किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पे गर्म कर दिया जाएगा। तो यहां से किसका निर्माण हो जाएगा, डाइएथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है विलियमसन सतत ईथरीकरण कहा जाता है।
यानी कि लैबोरेटरी के अंदर किस प्रकार बनाते हैं, इस विधि में जो एथेनॉल है, एथेनॉल एल्कोहल का मतलब यहां पे क्या है, एथेनॉल, इस विधि में जो एथेनॉल है एल्कोहल के रूप में यहां पे क्या लिया जाता है, एथेनॉल। एथेनॉल कितना लिया जाता है यहां पे, दो आयतन, और जो H2SO4 है वो लिया जाता है यहां से एक आयतन, इसका नाम होता है आसवन फ्लास्क। ये क्या लगा हुआ है, आसवन फ्लास्क। तो इस विधि में चित्र के अनुसार आसवन फ्लास्क में दो वॉल्यूम एथेनॉल और एक वॉल्यूम कंसंट्रेट H2SO4 धीरे धीरे करके क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। ये जो आपका जो आसवन फ्लास्क है इसमें क्या करेंगे, दो वॉल्यूम तो एथेनॉल डालते हैं और एक वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेट H2SO4 डालकर इसको धीरे धीरे हिलाते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या करते हैं, ये जो बालू उष्मक है, बर्नर बोलते हैं इसका नाम क्या है, बालू उष्मक, इसे बालू उष्मक पर क्या करते हैं 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो इस आसवन फ्लास्क में क्या बनने लग जाता है, डाई एथिल ईथर बनने लग जाता है। यहां से पहला पॉइंट क्लियर है। इस विधि में चित्र अनुसार आसवन फ्लास्क में दो आयतन एथेनॉल व एक आयतन H2SO4 लेकर उसे धीरे धीरे मिलाते हैं एवं इस आसवन फ्लास्क को बालू उष्मक पर कितने केल्विन ताप पे, इसका नाम क्या है, बालू उष्मक, बालू उष्मक पर 413 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है तो इसका निर्माण होने लग जाता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होने लग जाता है। जो बर्फ में रखे, जो आगे चलकर बर्फ में रखे संग्राही में क्या होने लग जाएगा, एकत्रित कर लिया जाएगा। अब इस आसवन फ्लास्क के अंदर बिंदुपाती कीप जो है उसकी सहायता से हिलाते रहते हैं, हिलाते रहने से जो एथेनॉल बनता है वो सतत रूप से बनता रहता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है विलियमसन सतत ईथरीकरण कहा जाता है। क्लियर है भैया, क्या ध्यान रखना है कि इस विधि में चित्रानुसार आसवन फ्लास्क में दो वॉल्यूम एथेनॉल व एक वॉल्यूम कंसंट्रेट H2SO4 धीरे धीरे मिलाते हैं, इस आसवन फ्लास्क को बालू उष्मक पर 413 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है तो क्या बनने लग जाता है, यहाँ पे डाई एथिल ईथर बनने लग जाता है। जो संग्राही के द्वारा जो आगे चलकर जो वहां पे एकत्रित हो जाएगा, संग्राही में एकत्रित हो जाएगा, इस संग्राही में जैसे ही एकत्रित होगा तो बालू उष्मक के अंदर ऊपर लगा जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क को अपन बिंदुपाती कीप जो है उसकी सहायता से हिलाते रहते हैं तो ये जो डाई इथल है, डाई एथिल ईथर जो है वो सतत रूप से बनता रहता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है विलियमसन सतत ईथरीकरण कहा जाता है। क्लियर है। दूसरी विधि होती है औद्योगिक विधि। इस औद्योगिक विधि के अंदर क्या होता है कि इस विधि के अंदर ईथर का जो बबका होता है, ईथर के बबके में एथेनॉल जो होता है, भाई यहां पे क्या होता है, ईथर का बबका लिया जाएगा यहां पे, इस विधि में ईथर के बबके में एथेनॉल जो है उसको सांद्र H2SO4 में क्या करेंगे, बूंद बूंद करके गिराते रहते हैं। इस विधि में ईथर बबके में जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल को किसमें, सांद्र H2SO4 में, कंसंट्रेट H2SO4 में, किसमें गिराते रहेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 में। इस विधि में ईथर बबके में एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के अंदर क्या करते हैं, धीरे धीरे मिलाते रहते हैं। प्राप्त जो मिश्रण है उस मिश्रण को, इस प्राप्त जो मिश्रण है इस मिश्रण को वाष्प कुंडलियों में से भाप में से प्रवाहित किया जाएगा। जैसे ही प्रवाहित किया जाएगा तो ईथर जो वाष्प मिश्रण है उसमें से एथेनॉल की वाष्प, ये क्या करेंगे, यहां पे एथेनॉल है, इस एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में बूंद बूंद करके गिराया जाता है एवं प्राप्त मिश्रण को वाष्प जो कुंडली है उसमें से भाप में से गर्म करके प्रवाहित किया जाता है। मिश्रण का जो तापमान है यहाँ पे कितना रखा जाता है, 413 केल्विन ताप स्तर रखा जाता है। मिश्रण का जो तापमान कितना रखा जाता है, 413 केल्विन ताप स्तर रखा जाता है। जैसे यहाँ पे 413 केल्विन ताप जब स्तर रखा जाएगा तो इस मिश्रण में से ये जो वाष्प का जो मिश्रण होगा, यहाँ से वाष्प मिश्रण में से क्या बनने लग जाएगी, यहाँ पे ईथर वाष्प है, एथेनॉल वाष्प है, एथेनॉल वाष्प भाप
एवं धूम अमल बनने लग जाते हैं। भाई प्राप्त वाष्प जो मिश्रण होगा उसमें क्या बनने लग जाएगी, ईथर की वाष्प, एथेनॉल वाष्प, भाप एवं धूम अमल बनने लग जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं यहां से, जैसे ही यहाँ पे ईथर की वाष्प, एथेनॉल वाष्प, भाप एवं धूम अमल बनने लग जाएगी तो इसे कक्ष के नीचे से गुजारा जाएगा। तो इसमें सब क्या करेंगे, इस कक्ष से नीचे से जैसे ही गुजारा जाएगा एवं ऊपर से जब NaOH डाला जाता है इस मिश्रण को वाष्प की कुंडलियों के अंदर जो मिश्रण बन जाएगा, इस मिश्रण के अंदर क्या होगा, यहां से ईथर की वाष्प, एथेनॉल वाष्प, भाप एवं धूम अमल बनेगी। तो जब इसे कक्ष के नीचे से गुजारा जाएगा, यहां से नीचे से पासिंग करवा दिया, फिर ऊपर से यहां पे क्या करते हैं NaOH का विलयन डालते हैं, तो यहां से अमल जो धूम है, जैसे NaOH का विलयन डालूंगा तो यहां से एसिड फ्यूम अमल धूम पृथक होने लग जाते हैं। अमल धूम क्या होने लग जाते हैं, यहां से पृथक होने लग जाते हैं। अब यहां से जैसे अमल धूम पृथक होने लग जाते हैं तो जो शेष मिश्रण बचा हुआ है, शेष मिश्रण के अंदर क्या है, ईथर की वाष्प है, एथेनॉल वाष्प है, उसे क्या करते हैं, प्रभाजी स्तंभ, ये क्या है आपका प्रभाजी स्तंभ, इसमें से प्रभावित किया जाता है। तो यहां से एथेनॉल और जो जल है, जैसे प्रभाजी स्तंभ में से यहां से क्या किया जाएगा, इसको प्रभावित किया जाएगा, प्रभावित किया जाएगा, प्रभावित करेंगे तो यहां से क्या होगा, एथेनॉल वे जल सघनित हो जाते हैं, एथेनॉल ऊर्जा यहां पे क्या हो जाते हैं, सघनित हो जाते हैं। इसमें ईथर का जो है क्वथनांक कम होने के कारण ऊपरी भाग में मुक्त हो जाता है। इस विधि के अंदर ईथर का जो क्वथनांक है वो कम होने के कारण यहां से जो क्या होता है, ईथर जो है ऊपरी भाग में यहां पे मुक्त हो जाता है, जो संग्रही में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से औद्योगिक विधि के द्वारा ईथर का निर्माण कर लिया जाता है, यानी औद्योगिक विधि के थ्रू किस प्रकार से ईथर बनेगा कि इस विधि में ईथर के भवके में, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इस विधि में ईथर के भवके में एथेनॉल को किसमें, सांद्र H2SO4 के अंदर, इस विधि में ईथर के भवके में एथेनॉल को सांद्र H2SO4 में बूंद बूंद करके गिराया जाता है तथा इस मिश्रण को वाष्प कुंडलियों में से भाप में से प्रवाहित किया जाता है। मिश्रण का जो ताप है वो 413 केल्विन ताप पर स्थिर रखा जाता है। तो यहां से वाष्प मिश्रण में क्या बनने लग जाते हैं, ईथर की वाष्प है, एथेनॉल वाष्प है, भाप एवं धूम बनने लग जाते हैं, धूम अमल बनने लग जाता है। अब यहां से इस मिश्रण को कक्ष के नीचे से गुजारा जाता है, ऊपर से क्या करते हैं, इसमें NaOH का विलयन गिराया जाता है, तो यहां से जो एसिड फ्यूम है, अमल धूम है, वो पृथक होने लग जाता है। अब बचा हुआ जो शेष वाष्प मिश्रण जिसके अंदर ईथर की वाष्प है, एथेनॉल वाष्प है, बचे हुए उसको क्या करते हैं, इस प्रभाजी स्तंभ में से गुजारा जाता है, तो यहां से एथेनॉल और जो जल है वो सघनित होने लग जाता है। इसमें ईथर का जो क्वथनांक है वो कम होने के कारण ईथर जो है वो ऊपरी भाग में यहां पे मुक्त होने लग जाता है, जो संग्रही में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से इस औद्योगिक विधि के द्वारा ईथर का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये है आपकी ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला के अंदर बनता है विलियमसन सतत ईथरीकरण के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यहां से अन्य विधियां, नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे यहां से अन्य विधियां। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट चलेगा अपना अन्य विधियां। थर्ड में आपने प्रयोगशाला विधि पढ़ी, औद्योगिक विधि पढ़ी, थर्ड में बात कर रहे हैं अन्य विधियां। अन्य विधियों में क्या होता है कि जो डाई एथिल ईथर है उस डाई एथिल ईथर की वाष्प को 523 केल्विन ताप पर एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक में प्रवाहित किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बन जाता है। यहां से क्या करते हैं अन्य विधियों में कि जो आपका डाई एथिल ईथर है उसकी वाष्प को क्या करेंगे, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन
ताप पर जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो वहां से क्या बनने लग जाएगा, डाइएथिल ईथर बनने लग जाएगा। फिर यहां से क्या होता है कि जो ईथर की जो वाष्प है उसको संगलित CaCl2 की सहायता से शुष्क कर लिया जाता है। यदि अभिक्रिया के अंदर, यदि इस अभिक्रिया में तापमान का मान 653 केल्विन होता है तो डाइएथिल ईथर के स्थान पर क्या बनने लग जाती है, यहां पे एल्कीन बनने लग जाती है, यानी कि एल्कीन के रूप में एथेन बन जाता है। इस प्रकार बनता है, देखिए हमने डाइएथिल ईथर की वाष्प को CH3CH2OH, यानी कि डाइएथिल ईथर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एथेनॉल की वाष्प को, एथेनॉल है का नाम क्या है, एथिनोल, एथिनोल वाष्प को क्या करेंगे, Al2O3 एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाएगा। तो यहां से क्या होगा, डाइएथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। यहां का H, यहां का OH, H को बाहर निकल जाएगा, ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइएथिल ईथर में, CH3CH2O CH2CH3, इसका नाम क्या होता है, डाइएथिल ईथर बन जाता है। क्या बन जाएगा, यहां से डाइएथिल ईथर, यानी एथेनॉल की वाष्प को एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पे प्रवाहित किया जाता है, तो डाइएथिल ईथर बन जाता है। इस प्रक्रिया में ईथर की जो वाष्प है, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में डाइएथिल ईथर की वाष्प को, डाइएथिल ईथर की वाष्प को संगलित CaCl2 की सहायता से, संगलित CaCl2 की सहायता से डाइएथिल ईथर की वाष्प को संगलित CaCl2 की सहायता से शुष्क कर लिया जाता है, शुष्क कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में डाइएथिल ईथर की जो वाष्प है उसको संगलित CaCl2 की सहायता से क्या कर लिया जाता है, शुष्क कर लिया जाता है। नोट डाल के ध्यान रखना कि यदि अभिक्रिया में तापमान का जो मान है Al2O3 के साथ तापमान का मान यदि 653 केल्विन होता है तो डाइएथिल ईथर के स्थान पर क्या बनने लग जाती है, एल्कीन बनने लग जाती है। किस प्रकार बनती है, देखिए यदि रिएक्शन में Al2O3 के साथ तापमान 653 केल्विन है तो ईथर के स्थान पर एल्कीन बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। कैसे बनती है, देखिए एग्जांपल CH3 यहां से CH2OH, एरो पर लिख रखा है Al2O3, यहां से 653 केल्विन ताप पे जैसे अभिक्रिया होगी, आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन को मैं कैसे दिखा सकता हूं, इस प्रकार से यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां से माइनस, ये प्लस, H प्लस OH माइनस, यहां से क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बन जाएगा। ये है अन्य विधि। अन्य विधियों में क्या बताया है, देखिए कि जो एथेनॉल है उस एथेनॉल की वाष्प को एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो डाइएथिल ईथर बन जाता है। इस प्रक्रिया में डाइएथिल ईथर की वाष्प को संगलित CaCl2 की सहायता से शुष्क कर लिया जाता है। यदि अभिक्रिया में तापमान का मान Al2O3 के साथ कितना ले लिया जाए, 653 केल्विन ले लिया जाए तो डाइएथिल ईथर के स्थान पर क्या बनने लग जाती है, एथेन। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।